हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नमक लेकर आई हूँ। ये सादा नमक नहीं बल्कि एक मसाला नमक है। वैसे इसे मेरे घर पर हरा नमक बोला जाता है। ये हमारे घर में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मैं आपको आज इसकी रेसिपी बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। ये बहुत ही यूजफुल है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सादा नमक ना होके इसमें अदरक और हरी मिर्च, जीरा और धनिया भी डलता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें डलेंगी। ये है अदरक। अदरक आप जैसे जानते ही हैं कि ये आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन, इसमें हर तरह के पोषक तत्व हैं। साथ ही ये एक एंटीवायरल है। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, भूख, खांसी और हाजमे को भी अच्छा करता है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये है हरी मिर्च। इसमें हम हरी मिर्च यूज करते हैं। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। हरी मिर्च जो है इसमें बहुत ही रिच सोर्स है ये विटामिन सी का, जो हमारी स्किन के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और हम इसमें यूज करते हैं जीरा। ये है जीरा। जीरा जो है ये बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है और ये इस नमक के टेस्ट को बढ़ाता है। और ये है सूखा हुआ धनिया, साबुत धनिया। साबुत धनिया ये पेट की जलन को कम करता है और स्वाद को बढ़ाएगा। और इसमें हम यूज करेंगे आयोडीन नमक ना लेकर हम इसमें रॉक सॉल्ट यूज करेंगे, सेंधा नमक। सेंधा नमक जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है और ये बहुत ही गुणों की खान है। तो इसमें हम इस नमक में सेंधा नमक ही यूज करेंगे। अभी मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कि कितनी कितनी मात्रा में हमें ये सब चीजें लेनी है, जिससे कि हमारा मसाला वाला नमक तैयार हो जाएगा। हरा नमक बनाने के लिए अब हम लेंगे मिक्सी। इस मिक्सी के जार में सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने अनुसार डालेंगे कि आपको कितने दिन का बनाना है। आप इसको महीना, डेढ़ महीने भी चला सकते हैं। तो इसके लिए अभी हमने जैसे 1 बाउल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट लिया है, सेंधा नमक, हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में। देखिए इस रेशियो में यह है जीरा। जीरा डलेगा 3 टीस्पून जीरा। मैं पूरा जो इसका रेशियो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। यह है धनिया, साबुत धनिया, ये डलेगा 2 टीस्पून। ये है हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप लेंगे 10 हरी मिर्च लेंगे। ये भी आपने स्वाद के अनुसार, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप कम हरी मिर्च डालेंगे। यह है अदरक। ये हमने काट लिया है छोटे छोटे फांक में, जिससे कि मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ये 2 गांठ आप अदरक की लेंगे। इसको आप दही में, छाछ में, हर तरह के फलों में यूज कर सकते हैं। वो क्या है आपका, अमरूद है, सेब है। अब हम इसको मिक्सी में चलाएंगे। 3 गांठ। अब आप इस मिक्सर को मिक्सी में रखकर ग्राइंड करेंगे। अब आप देखिए ये हरा नमक बनकर रेडी है। ये इस तरह से मिक्सी में इस तरह से बनेगा। इस नमक को आप 1 से 1.5 महीना रख सकेंगे। और आप ये एक ग्लास का कंटेनर है, जिससे कि ये अच्छे से रहेगा। वैसे तो आप इसे किसी भी इसमें रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है। इसमें इसको पलट देंगे। ये आप दही में, छाछ में, हर तरह के फ्रूट्स में, जब आप खालिस नमक यूज़ करते हैं उसकी जगह अब आप ये हरा नमक यूज़ करके देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। आप इस तरह से इसको इस कंटेनर में एयर टाइट करके रखेंगे। आपका ये जो हरा नमक है, इस हरे नमक को आप किसी भी तरह के फ्रूट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने केला लिया है, अमरूद, सेब, उसमें ऐसे चुटकी भर आप सिंपल नमक की जगह ये डालें, हरा नमक मिर्च, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और जैसे ये रायता, अभी हमने आलू का रायता रखा है, आलू के रायते में आप हरा नमक डालेंगे। इसमें जीरा ऑलरेडी डला है और अदरक, इससे इसका स्वाद और निखर के आएगा। तो आप किसी भी बूंदी रायता हो आपका,
मिक्स रायता हो, सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, छाछ में यूज़ कर सकते हैं, मट्ठे में बहुत अच्छा लगता है और दही में। इस तरह से आपका ये हरा नमक बन के तैयार है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।